दो आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ में की मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक का बटन रहेगा। 458 लीटर का काफी बड़ा और अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियां ना भाई सभी से ज्यादा इस गाड़ी का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर। एलिवेट का VX मॉडल है, बीच वाला मॉडल है हमारे, ना तीन मॉडल आपको मिल जाएंगे, एक L मिल जाएगा, एक VX और एक ZX मिल जाएगा। ये हमारा VX मॉडल है, डिटेल से आपको इसका रिव्यू कराएंगे भाई, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है और वे गाड़ी का प्राइस कितना है। ये फिलहाल ही गाड़ी कुछ ही दिन पहले भाई लॉन्च किए हैं होंडा ने, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। और जो इस सेगमेंट की गाड़ी है ना, जैसे क्रेटा है, सेल्टोस है, किया कि उनसे सभी से इस गाड़ी का बूट स्पेस और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी हमारी अट्रैक्ट करती है। फ्रंट में हमारे को ये क्रोम का पैनल मिल जाएगा, यहाँ से लेकर पूरा क्रोम, इधर हमारे DRL मिल जाएंगे, ये ही हमारा टर्न इंडिकेटर है, प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएंगी डबल के अंदर हमारी, यहाँ पर भी इधर भी चार इसमें रहेंगी, तीन इसमें रहेंगी लाइटें। बोनट पे डिजाइन मिल जाएंगे, बड़ा सारा बोनट है। यहाँ पे हमारे को दो वाइपर मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में हमारे को एडास का फीचर मिल जाता है ऊपर की तरफ, ये हमारा बीच वाला मॉडल है, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। फोग लैंप मिल जाएंगे, ये हमारा हार्ड प्लास्टिक रहेगा। होंडा का लोगो मिल जाएगा, ऐसा कुछ इसका डिजाइन दे रखा है, यहाँ से हवा लगने के लिए रेडिएटर पे। एलिवेट की बैजिंग ब्लैक और यहाँ पे हमारा सिल्वर का स्टफ मिल जाएगा, थोड़ा सा डिजाइन इधर भी साइड में डिजाइन रहेगा, ये ऐसी रहेगी इसकी फ्रंट की प्रोफाइल। साइड में व्हील आर्क मिल जाएगी, डायमंड कट अलॉय मिल जाएंगे, होंडा का लोगो, फ्रंट के ब्रेक डिस्क के अंदर, बैक के ब्रेक हमारे ड्रम के अंदर रहेंगे। 17 इंच हमारे को इसका टायर साइज मिल जाएगा, ग्राउंड स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। ये डोर पर डिजाइन मिल जाएगा, टॉप मॉडल में थोड़ा सा अलग रहेगा, उसमें ये वाली पट्टी मिलेगी सिर्फ, ये नीचे वाला ब्लैक नहीं मिलेगा। बॉडी कलर के हमारे को आउटसाइड मिरर मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल रहेंगे। टर्न इंडिकेटर के साथ में यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा साइड वाला, होंडा की मोस्टली सभी गाड़ियों में आता भाई साइड कैमरा। ये कीलेस एंट्री का बटन यहाँ पे भी दे रखा, दोनों साइड आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी। बॉडी कलर के हमारे को हैंडल मिल जाते हैं, बीच में हमारे को भाई ब्लैक टेप ही मिल जाएगी, क्रोम की भी बिडिंग मिल जाएगी। सिल्वर के अंदर हमारे को रूफ रेल मिल जाती है, सनरूफ मिल जाता है इसमें। 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, बैक के ब्रेक ड्रम के अंदर रहेंगे। सार्फ फैन एंटीना, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप रहेगा, वॉशर है, डिफोगर रहेंगे, वाइपर मिल जाता है, टेल लाइट मिल जाती है टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट के साथ में। एलिवेट की बैजिंग मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर है पीछे हमारे को, पार्किंग सेंसर, पीछे का जो बम्पर है उस पर कुछ डिजाइन मिल जाएगा, ये हमारा अलग रहेगा डिजाइन, इस पे सिल्वर का स्टफ अलग से दे रखा है। नीचे टो के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा एडजस्ट पाइप, होंडा का लोगो रहेगा, यहाँ पे बैक कैमरा दे रखा है पीछे की तरफ, आईवी टैग की बैजिंग दे रखी है। एक बार बूट ओपन करके आपको स्पेस दिखाते हैं इसका। 458 लीटर का काफ़ी बड़ा और अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियां ना भाई सभी से ज़्यादा इस गाड़ी का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। बूट लाइट मिल जाती है, पार्सल ट्रे रहेगी इसमें साथ में, यहाँ पे कैरी करने के लिए दे रखा है, साइड में भी कैरी कर सकते हैं कुछ भी हम। नीचे स्पेयर व्हील है, टूल किट के साथ में मिल जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छी फिटिंग दे रखी है इसकी। ये जब हम गाड़ी को चलाएंगे ना, ड्राइव करेंगे, तो इस वो जब गाड़ी चलाते हैं तो वही अलग, जैसे ब्रेकर से गाड़ी निकलती है तो अलग से उसकी आवाज़ आती है, ये सही फिटिंग करके दे रखी है। ये मोस्टली सभी गाड़ियों में आता है भाई, जब हम स्टेपनी वगैरह चेंज करते हैं ना, स्टॉप का है ये, इसको निकाल के बाहर रोड पे रख सकते हैं साइड में। दो आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ में की मिल जाएंगी, लॉक अनलॉक का बटन रहेगा, इधर होंडा का लोगो, इमरजेंसी की हमारी यहाँ पे रहेगी। एक बार अंदर चल के ना गाड़ी का अंदर का इंटीरियर भाई सेफ्टी दिखाते हैं, इसमें क्या क्या और कैसी मिलने वाली है आपको। यहाँ से करेंगे इसको ओपन, ये रहेगी हमारी ड्राइवर साइड वाली विंडो, ये वाला पोर्शन हमारे को हार्ड प्लास्टिक रहेगा, नीचे हमारे को फैब्रिक मिल जाएगा, इधर लेदर नहीं रहेगा। पावर के कंट्रोल मिल जाएंगे, ड्राइवर वाली विंडो हमारी वन टच अप डाउन रहेगी, लॉक अनलॉक, लेफ्ट और राइट का ORBM यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे बोतल के लिए स्पेस दे रखे हैं, स्पीकर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका ट्विटर रहेगा। नीचे पैडल्स दे रखे हैं, यहाँ पे पेट्रोल और भाई नीचे हमारा बोनट ओपन करने का बटन दे रखे हैं दोनों। डायरेक्शन कंट्रोल है, फ्रंट की हेडलाइट यहीं से एडजस्ट हम इसकी कर सकते हैं। AC का वेंट है, इस पर हमारा सिल्वर का स्टफ मिल जाएगा। टॉप मॉडल में हमारे को यहाँ पे भी लेदर मिल जाएगा और इधर साइडों में भी लेदर मिल जाएगा। फैब्रिक अपोस्टी हमारी सीटें मिल जाएंगी, 6-way में एडजस्टेबल मिल जाती हैं, आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन आप इसको कर सकते हो। टायर प्रेशर ऐसा रहेगा इसका, शानदार सा डैशबोर्ड। लेदर रैप के अंदर हमारा इसका स्टेरिंग मिल जाएगा, टॉप मॉडल के अंदर भी हमारा भाई लेदर रैप की स्टेरिंग मिल जाता है। उसमें आपको चेंज क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा क्रूज कंट्रोल है ना और एडास का है, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है, जो हमारा VX मॉडल है इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल के अंदर आपको एडास मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इधर इसमें हॉर्न दे रखा है, होंडा का लोगो, यहाँ पर हमारे म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल है और MID से भी रिलेटेड कंट्रोल यहीं पे दे रखे हैं। हमारा वाइपर का कंट्रोल है, यहाँ पे हमारा लाइट का कंट्रोल रहेगा। एक बार स्टेयरिंग आपको दिखाते हैं, टिल्ट मिलने वाला है कि आपको टेलीस्कोपी, टिल्ट और टेलीस्कोपी वही इसके अंदर आपको स्टेयरिंग मिल जाता है VX मॉडल के अंदर भी, नहीं तो टॉप मॉडल के अंदर ही आता है। यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखे हैं। MID दिखाते हैं एक बार आप।
MID आपकी ना दोनों की टॉप मॉडल की इसकी भाई आपको सेम ही मिल जाएगी। इसका कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है, इसकी जो भी डिटेल हमारे को देखनी ना यहाँ से मिल जाएगी इसकी डिटेल। टैकोमीटर है, रेंज है, रेंज के अंदर हमारे को यहाँ पर ट्रिपेट्री भी स्पीड मिल जाएगी, इधर जी मीटर है, कंपास दिखाएगा यहाँ पे शो करेगा, सेटिंग्स रहेगी इसकी कुछ, क्लॉक व्हीकल सेटिंग, मीटर सेटअप, कीलेस एसेस, लाइटिंग सेटअप, डोर सेटअप, डिफॉल्ट ऑल, कस्टमाइज डिस्प्ले, रेंज, स्पीड, जी मीटर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन, डोर ओपन, फ्यूल की वार्निंग, यहाँ पे हमारा RPM रहेगा, इस साइड में आपको गाड़ी की स्पीड बीच में डिजिटल के अंदर दिख जाएगी, यहाँ पे भी सीट बेल्ट का आपको अलर्ट दिखाई देगा, नीचे हमारा जो फ्यूल है ना उसकी वार्निंग मिल जाएगी भाई गाड़ी कितना किलोमीटर हमारे यहाँ पे चली हुई है, टेम्परेचर इसमें शो करेगा। ऐसी इसकी MID रहेगी, 8 इंच हमारे को म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ। इसी बटन से हम इसको भाई डे मोड पे और नाइट मोड पे कर सकते हैं। वॉल्यूम का बटन है, होम का बटन है, पावर का बटन दे रखा है, यहाँ से बैक करने का बटन है, सेटिंग्स हैं, इसके अंदर हमारा डिवाइस लिस्ट है, USB, RD, साउंड, बीप, सिस्टम वॉल्यूम, बैक यहीं से, डिस्प्ले सेटिंग है इसमें, ओपनिंग एनिमेशन, बैकग्राउंड कलर, वॉलपेपर, ऑटोमेटिक डेट टाइम, GPRS, क्लॉक मोड, सेलेक्ट टाइम जोन, डेलाइट सेविंग टाइम, डेट फॉर्मेट, रियर व्यू कैमरा, इसकी सेटिंग्स मिल जाएगी, साइड वाले कैमरे की सेटिंग है, अबाउट, ओपन सोर्स, क्लियर ऑल सेटिंग, एंड्रॉइड की सेटिंग दे रखी है, नेविगेशन। यहाँ पे हमारा जो MID है ना इसकी ब्राइटनेस यहीं से हम इसकी कम और ज्यादा कर सकते हैं, हमारे को जैसी चाहिए, नाइट मोड पे चाहिए, अपने डे के अकॉर्डिंग चाहिए, यहीं से सेट हो जाएगी। पार्किंग इंडिकेटर दे रखे है, AC के वेंट है, ऑटोमेटिक के अंदर हमारा AC मिल जाएगा, इधर से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से फैन स्पीड, इधर हमारे इसके कुछ मोड दे रखे हैं, AC को ऑफ कर सकते हैं। नीचे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, USB के दो पोर्ट मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है इधर साइड में, वायरलेस को इसको ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हैं चार्जर को। दो आपको कप होल्डर मिल जाएंगे, 6 गियर के अंदर हमारी गाड़ी आती है, एक रिवर्स गियर रहेगा, रिवर्स गियर में जैसे डालेंगे तो भाई बैक कैमरा गाड़ी का हमारे को दिख जाएगा, क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है बैक कैमरा की। और इधर साइड में ना इस बटन को हम प्रेस करते हैं हमारे को ना साइड वाला कैमरा दिखाई देगा, ये जैसे मैंने बटन प्रेस किया जो हमारा ये कैमरा है इसका व्यू दिखाई दे जाएगा, शॉर्टकट है, 360 आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। इधर AC का वेंट, यहाँ पे आपको ना हार्ड प्लास्टिक, नीचे हमारा ग्लोसी ब्लैक का पैनल रहेगा, ये अलग पैनल रहेगा, ग्लू बॉक्स दिखा दे इसका, काफी अच्छा सारा ग्लू बॉक्स मिल जाएगा सर्विस बुक के साथ में। इसके अंदर आपको लाइट नहीं मिलने वाले भाई, ट्विटर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, वेंटी के अंदर भाई मिरर मिल जाएगा, लाइट नहीं रहेगी, यहाँ पे हैंडल बार फिक्स, हमारी सीट बेल्ट मिल जाएगी, ये ब्लैक का पोर्शन दे रखा है, ये हमारा मैनुअल के अंदर मिल जाएगा, डे नाइट व्यू मिरर, यहाँ से लाइट, इधर भी लाइट, यहाँ से कर सकते हैं हम इसका सनरूफ ओपन, ऐसा आपको इसका सनरूफ मिल जाएगा, वेंटी रहेगा, वेंटी के अंदर आपको मिरर नहीं मिलने वाला। यहाँ पे भी कुछ स्पेस सा दे रखा है, हैंड ब्रेक है, ये भी हमारा फैब्रिक पोस्टर रहेगा, आर्मरेस्ट, इसके अंदर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा। ये इसका फ्रंट का इंटीरियर, और एक बार बैक में ले जाके आपको दिखाते हैं कैसा स्पेस मिलने वाला इसका। चाइल्ड लॉक दे रखे हैं यहाँ पे, इधर भी फैब्रिक, पावर कंट्रोल है, बोतल के लिए स्पेस है, स्पीकर दे रखे हैं, चारों विंडो में एक एक स्पीकर मिल जाएगा आपको। नीचे भाई ये फर्श है ना ऊपर की तरफ दे रखा है, इसमें काफी कम्फर्ट रहेगा, बैठेंगे ना पैर ऊपर की तरफ रहेंगे भाई, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो ना उसमें आपको बिल्कुल कम्फर्ट महसूस देगी गाड़ी। आपको हेड रेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, पीछे आपको इसमें आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा, बीच में एडजस्टेबल आपको हेड रेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा इस मॉडल के अंदर। ऊपर वही हैंडल बार, बीच में आपको रीडिंग लाइट मिल जाएगी, ये हैंडल बार ना आपके प्रॉपर ऊपर है छत की तरफ भाई, लगेंगे नहीं, जैसे आप गड्ढे वगैरह में गाड़ी जाती है ना तो सर में लग जाते मोस्टली, है बिल्कुल भी नहीं लगेंगे अंदर की तरफ। सीटों के पीछे पॉकेट मिल जाएगी, दोनों ही सीटों के पीछे पॉकेट मिल जाएगी, AC के वेंट मिल जाएंगे दो, चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, 12 वोल्ट का दे रखा चार्जिंग का पोर्ट, बोतल के लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको, स्पेस भी इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है भाई, बैठते हैं ना हाई स्पोर्ट काफी अच्छा मिल जाता है, और भाई पैर है ना आगे की तरफ बिल्कुल, लेके लेग रूम स्पेस काफी अच्छा, सीट ये बिल्कुल पीछे की तरफ हुई है, फिर भी जैसे लॉन्ग ड्राइव पे है कंफर्ट देगा वो। 1500 CC पेट्रोल इंजन के साथ में भैया आती है हमारे को, पावर इंजन इसका देता है 119.35 की, और टोरक मिल जाएगी 145 की। गाड़ी की हमारी एवरेज है जो कंपनी क्लेम करती है भाई 15-16 की, इस गाड़ी की हमारे को एवरेज मिल जाएगी। तो भाई ये गाड़ी है इसकी हमारे को जैसे बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सेफ्टी के अंदर आपको VX मॉडल के अंदर भाई 2 एयरबैग आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम वो मैंने आपको दिखाया अभी आपको, और भाई 4 इसके अंदर आपके स्पीकर मिल जाते हैं। एक्सरूम प्राइस रहेगा हमारा 13,49,900 रुपये रहेगा इसका, जो ऑन रोड प्राइस है 15,86,500 रुपये है, वो भाई अपने एरिया में आप कन्फर्म सकते हो हल्का फुल्का सा आपको। एक्सरूम में तो भाई
फर्क मिलने वाला नहीं है, ऑन रोड में आपको हल्का फुल्का डिफरेंस मिल सकता है। ये है भाई हमारा VX मॉडल, हमारे ना जैसे टॉप मॉडल मैनुअल में भी और टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के अंदर भी हमारे चैनल पर वीडियो डली हुई है, पहले आप वो भी वीडियो देख सकते हो, इससे गाड़ी से कंपेयर कर सकते हो भाई कौन सा मॉडल आपको बेस्ट लगा। और वो लुक वाइज है ना, जो इसका फ्रंट में देखने से भाई ऐसे लगेगा जैसे आपकी फॉर्चुनर वगैरह ना, ऐसा ही जो फ्रंट का लुक है ऐसा ही इन्होंने डिजाइन किया है। आपकी बार जरूर से हमारे को कमेंट्स करना भाई आप गाड़ी कैसी लगी, और नेक्स्ट आप किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हो वो भी हमारे को बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।